दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अरविंद सिंह लवली के बनने के बाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिलखिला गए हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं। हमारे बीच में संजय गुप्ता जी हैं। संजय गुप्ता जी जो कि पूर्व में दिल्ली नगर निगम के प्रत्याशी भी रहे, वेलकम वार्ड से। सर क्या कहना चाहेंगे लवली जी के बारे में? लवली जी हमारे बहुत पुराने जमीन से जुड़े हुए जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, और 15 साल का जो शीला दीक्षित की हमारी सरकार थी उसमें मंत्री रहे और जितने उनके मंत्रालय ने काम किए वो आज भी दिल्ली की सड़कों पे दिख रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है, लवली जी तो मैं ये कहूंगा कि एक टेस्टेड कार्यकर्ता है, उनको लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, वो सरकार में रहे, उनके काम सड़कों पे है, लोगों के सामने है। लेकिन वैसे भी कांग्रेस के हमारे जितने लीडर हैं हम करने में विश्वास रखते हैं जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बोल दिया कुछ और हो गया कुछ, हमारे यहाँ जो कहा जाएगा उसके ऊपर काम किया जाता है, उसके लिए विजन बनाया जाता है, उसके बारे में एक हमारी पॉजिटिव सोच होती है, और यही एक कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। संजय जी क्या मानते हैं कि इनके आने के बाद में कांग्रेस दिल्ली प्रदेश को मजबूती मिलेगी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को? 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। देखो जब कोई जमीन से जुड़ा हुआ नेता किसी पद पे आता है तो उसे पता होता है कि जमीन पे काम किस प्रकार से किया जाता है, कार्यकर्ता को किस तरह से जोड़ा जाता है। कार्य देखने में आता है कि जिन्होंने कांग्रेस के राज में मलाई खाई थी आज वो सड़कों पर नहीं, और जो सड़कों पे उतरेगा वो ही नेता बनेगा। नहीं ये तो देखो चलता रहता है, किसने मलाई खाई नहीं खाई, ये पार्टी का एक बहुत बड़ी समूह है कार्यकर्ताओं का, कुछ लोग पार्टी की उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं, कुछ नहीं भी उतरते, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारी पार्टी का नेतृत्व है, ना केवल दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व, आप पूरे भारत का नेतृत्व देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, आज हमारा हर नेता सड़कों पे है। हम बात कर रहे हैं लोगों की गरीबी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप देखो समस्याओं का अंबार है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जी नया भारत। अरे भैया पब्लिक बेरोजगार है, मणिपुर में देखो क्या आतंक हुआ है, व्यापार का क्या हाल, व्यापारी परेशान है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, ना केवल व्यापारी, अगर सड़क पे सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, निर्भर वाला काम मत करो। आत्मनिर्भर ही ये देश शुरू से था, हमने हमारे देश के किसी भी भारतीय ने कभी दूसरे पे निर्भर होके काम नहीं किया। हम तो जब भी आत्मनिर्भर थे जब हमारे देश में अंग्रेज राज करते थे, वो भी हमसे लगान वसूल करते थे, हम आत्मनिर्भर थे कब नहीं, हमारे बाप दादाओं ने हमें कमा के तो खिला के बड़ा किया है, या हमें कि किसी दूसरे मुल्क ने आकर के हमें दान दे दिया, ये सिर्फ लोगों को भरमाने का तरीका है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारों का जो काम होता है, रोजगारों को सुगम बनाना, नौकरियों की उपलब्धता कराना, आपके राज्य के अंदर आपके शहरों के अंदर एक भाईचारा बना रहे जिससे हमारा काम रहे, आपने क्या किया, आपने एक समाज के अंदर जहर घोल दिया, नफरत घोल दी, और नफरत घोलने का आज परिणाम एक एक आदमी को महसूस हो रहा है। सरकार कहती है क्यों सरकारी नौकरी पे निर्भर हो, स्टार्टअप शुरू करो ना। नहीं सरकारी नौकरी पे तो निर्भर होंगे या नहीं होंगे वो तो एक अलग व्यू है, मैं सरकार से पूछता हूँ कि आप क्यों वोट मांगने के लिए मंदिरों पे निर्भर होते हो, अपने काम बताओ ना, आप क्यों बताते हो मैं हिंदू हूँ, ये जाट है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये आप क्यों जातियों पे निर्भर होते हो, आप ही तो लोगों का बेवकूफ बना रहे हो। कोई हर आदमी व्यापार नहीं कर सकता, हर आदमी नौकरी नहीं कर सकता, हर समाज के अंदर कैलिबर अलग अलग है, कैलिबर भी अलग है, और समाज के अंदर हर आदमी की जरूरत है। क्या बिना सरकारी नौकरियों के सरकार चल जाएगी, क्या बिना व्यापार के बिना क्या बिना मजदूर के व्यापारी व्यापार चला लेगा, हर आदमी की हर जगह उसकी जरूरत है। अब आदमी ये कहे कि जी सरकारी नौकरी करो ही मत, आप कैलिबर पैदा करो, तो मुझे बता दें मोदी जी अपना पियोन रखेंगे नहीं रखेंगे, अपना ड्राइवर रखेंगे नहीं रखेंगे, और वो सरकारी नौकर होगा या कहीं से कौन। संजय जी बहुत कड़वा बोल रहे हैं, कहीं दर्द कहीं दिक्कत में ना आ जाए। नहीं दिक्कत में तो देखिए आज जो भाजपा के खिलाफ बोलता है वो बोले या ना बोले, जो गैर वाजपेयी है वो दिक्कत में तो कब आ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, ये तो आज इस देश के अंदर राजनीति चली रही है। लेकिन दिक्कत इस लेकिन एक सवाल ये है कि भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते, अगर आप अपने देश की प्रॉब्लम नहीं बोलोगे, अगर सरकार की कमियों को नहीं बताओगे, तो माफ करना मेरी निगाह में इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं।
संजय जी, अगर हम बात करें G20 की, G20 को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है दिल्ली के अंदर? जो G20 प्रतिक्रिया ठीक है, एक अच्छा सब हमारे देश का गर्व की बात है, हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, मगर लॉकडाउन लगा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें नागरिकों की सुविधाओं को ताक पे रखा गया है। देखिए, आप G20 कराइए अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश के, हमारे शहर के नागरिकों की सुरक्षा की कीमत पे अगर ये हो रहा है तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। और भी देशों में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय समिट होते हैं, क्या वहां पे नागरिकों को इस तरह से मोलेस्टेट किया जाता है? क्या लोगों को इस तरह से घर में बंद करने के लिए किया जाता है? ये एक तरह की दमनकारी चीजें हैं और ये सरकार में शुरू से रही है। आपको छोटी सी चीज याद दिलाऊंगा, एक माननीय मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप किया था, तो ट्रंप साहब गुजरात में आए थे, तो जहाँ पे वहां झुग्गियां थी गुजरात में, तो वहां पे दीवार चिन दी गई थी कि उनकी तरफ देखा ना जा सके, तो ये अमानवीयता ही तो थी। तो ये इनका काम करने का तरीका है। आज दिल्ली की जनता को आप घरों में बंद करके G20 करने जा रहे हो। G20 अच्छी बात है, लेकिन वो किस कीमत पे हो रहा है? दिल्ली चमक गई है, चंद एरिया चमक चुके हैं, वेलकम कितना चमका हुआ है। वो जो दिल्ली चमक रही है ना, वो दिल्ली शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ, चमकती रहती है। लेकिन जो दिल्ली, वो खाली दिल्ली नहीं है, वो दिल्ली का एक हिस्सा है। दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली में लोग बड़े परेशान है। आप हमारी गलियों की स्थिति देख लो, वेलकम के अंदर, क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर एक रुपया भी G20 के नाम पे लगाओ तो मुझे बता दो, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरी वेलकम में नजर आता है। वेलकम तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, मैं तो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की बात कर रहा हूँ। पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं 10 रुपए भी अगर G20 पे लगे हो, उससे पहले कॉमनवेल्थ हुआ था उस पे लगे हो, हमारे यहाँ तो हम तो एक बिल्कुल पिछड़े वर्ग दर्जे की तरह ये गवर्नमेंट ट्रीट कर। संजय जी, आपने कॉमनवेल्थ गेम की बात की, तो जब राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली के अंदर होने थे तो पूरी दिल्ली के अंदर चकाचौंध हुआ, फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, अंडरपास बने, ग्रीनरी डेवलप हुई, ठीक है। यहाँ G20 का सम्मेलन हो रहा है, वो भी चंद इलाके को चमका है। मैं ये पूछ रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पार्ट है या नहीं? अगर दिल्ली में कॉमनवेल्थ के दरमियान या अभी G20 के दरमियान 10 रुपए भी अगर खर्च हुए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। मेरे नॉर्थ ईस्ट को तो कहीं माना ही नहीं जाता, और मैं कहता हूँ हाईली डेंस इलाका है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। और मोदी जी को बड़े फक्र के साथ, बड़ी चेतावनी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा वोट भी नॉर्थ ईस्ट वाले देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सांसद मनोज तिवारी कहीं ना कहीं कमजोर साबित नहीं हो रहे कि अपनी लोकसभा में G20 के नाम का कुछ नहीं ले पाए? नहीं, कमजोर क्या, उनके विचारों के चलते ही नहीं कुछ। तिवारी जी तो देखिए कमजोर क्या, मासूम सांसद है, उनका कोई रोल है नहीं सांसदी में। उनका तो कहीं इलेक्शन आता, उन्हें वो भोजपुरी 2-4 गाने गाने होते हैं, वहां बुला लिया जाता है। ना उनकी पार्लियामेंट में कोई चुनी जाती, ना उनको कोई ज्ञान है, ना उनको विजन है। वो थोड़े भोले सांसद हैं, अब उनको क्या बोला जाए इस बारे में। अब ठीक है, जो है फिर से उतरने जा रहे हैं, ये ठीक है, उतर सकते हैं, जनता को फैसला करना है, उतरना तो उनका अधिकार है, उनकी पार्टी का अधिकार है, बट अब फैसला तो जनता करेगी ना। और इस बार तो टारगेट 5 लाख वोटों से जिताने का, टारगेट तो 15 लाख से जिताने का बना लो, उससे क्या होता है? टारगेट बनाना अलग बात है, जमीन पे क्या काम किया, जनता के पास जाके अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाना एक अलग बात है। उनका कहना सेंट्रल स्कूल दिया है, सेंट्रल स्कूल की जहां तक बात है, सेंट्रल स्कूल सारी दुनिया जानती है। अगर आप मेरे से नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलोगे तो मैं उसके एक डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा कि वो माननीय पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी ने पास कराया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 9 साल पहले पास किया हुआ फंड आज तक उस सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग तो बन गई। सीलमपुर पे फ्लाईओवर दिया, सबोली घाट दिया, ऐसे सैकड़ों काम है, गिनाते गिनाते थक जाए। कांग्रेस की अगर काम की बात करोगे तो मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के काम दिल्ली की जनता बताती है। दिल्ली की जनता को पता है कि ये फ्लाईओवर कांग्रेस ने बनाया, ये समुदाय भवन कांग्रेस ने बनाया, ये हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया, स्कूल, इसमें हमें कहने की ज्यादा, और हमारी कहीं ना कहीं कमी ये रही कि हमने काम ज्यादा किया, ढिंडोरा नहीं पीटा। आज क्या हो रहा है कि काम होता ही नहीं, सोशल मीडिया नहीं था ना। सोशल मीडिया के अलावा भी राहुल भाई कहीं ना कहीं एक जहन भी होता है, जहन भी होता है, ये उस जहन के लोग हैं कि करना कुछ नहीं, हल्ला ज्यादा मचाना। हमारी पार्टी का शुरू से एक इतिहास रहा है कि हमने हल्ला बहुत ज्यादा नहीं मचाया, जो काम किया, काम सड़कों पे होता है, पब्लिक के चेहरे पे काम दिखता है। अगर खुशहाली आती है दिल्ली के अंदर, अगर लाडली योजना शुरू करी थी तो शीला दीक्षित जी ने करी थी, लोगों को कितने लड़कियों के उनके लाडली योजना से शादियां हुई है। RW को सम्मान दिया तो शीला जी ने दिया, मेरी दिल्ली में RW को सम्मान दिया, हमने वृद्धा पेंशन बनाई,
आज देखिए इन्होंने वृद्धा पेंशन बंद कर दी। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वृद्धा पेंशन बंद करके बुजुर्गों की, आज ये एक तीर्थ यात्रा स्कीम लिया है। पूरी विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में 500 से ज्यादा आदमियों को तीर्थ यात्रा कराते हो, और 2500 रुपए महीने की पेंशन से एक साल में आपने 30,000 रुपए हमारे एक बुजुर्ग के चुरा लिए, और 5 साल में वो बन जाते हैं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपने एक बुजुर्ग के हिस्से के मार के और 200-400-500 आदमियों को 30-35,000 रुपए खर्च के 4 दिन तीर्थ यात्रा करा दी। बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बढ़िया पुत्र बन गए आप उन बुजुर्गों। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल कामयाब है, वो कांग्रेस का घर बैठने की वजह से ही कामयाब है, कांग्रेस सड़क पे नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की कुछ कमियां थी जो हम सत्ता से बाहर हुए, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल स्वर्ण के हैं, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ। हमारी कुछ कमियां थी, लेकिन वो कमियां जितनी भी रही उससे 1000 गुना जो आज की सरकारें हैं उनमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, और ये जनता महसूस भी कर रही है। और वो कमियां जो सड़कों पे आने वाली बात है, आज तो आप नहीं कह सकते, आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय राहुल गांधी जी तमाम लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं, और सड़कों पे इसलिए नहीं आए, सत्ता तो आने जानी चीजें आएगी जाएगी चलती रहेगी, इसलिए आए कि लोगों का आज जो है उत्पीड़न हो रहा है। वो शायद नजर भी आ रहा है, राहुल गांधी चाहे धान बोने का काम करें या बाइकर के साथ जाए या ऑटो पार्ट्स के, लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानियां देख रहे हैं। अगर वो किसान के खेत में खड़े होके 2-2 फुट पानी में, 1-1 फुट पानी में अगर उसका धान रोप रहे हैं, तो वो महसूस करना चाहते हैं कि इस किसान को कैसे प्रॉब्लम होती है धान लगाने में। अगर वो करोलबाग के अंदर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ बैठ के उसके परिवार के बारे में पूछते हैं कि क्या कमा लेते हो, क्या करते हो, कैसे गुजारा होता है, तो लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ के उनकी परेशानियों को समझने की जो इच्छा है, मैं समझता हूँ यही एक नेता में होनी चाहिए, कि उसे पता लगे कि क्या जरूरत है आज हमारे समाज की। सबसे बड़ा घिनौना काम मणिपुर में हुआ, मणिपुर में इतना बड़ा नंगा नाच हुआ, शर्म की बात यह है। आप अपने आप को विश्व गुरु बोलने की हिम्मत कर रहे हो, हिमाकत कर रहे हो, मैं ये कहूंगा। और एक तरफ आपके देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ ना केवल नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के हर कार्यकर्ता से, क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा है या नहीं है? क्या मोदी जी मणिपुर के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है? क्या मणिपुर में भाजपा की सरकार है या नहीं है? अगर सब कुछ होते हुए भी ऐसा हो रहा है, तो क्यों अपने आप को विश्वगुरु कहने की हिमाकत?